नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने व्हीकल की डिटेल्स ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यानी कि आप अपने व्हीकल का आरसी स्टेटस की पूरी डिटेल ऑनलाइन किस तरीके से देख सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो आप अगर ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। आदेश कहे होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नो योर व्हीकल डिटेल्स। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने व्हीकल की कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे ये आपके सामने ओपन होके आया है, तो अब दोस्तों सिंपली आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो जो आपका मोबाइल है उस पर भी एक ओटीपी चला गया है, और एक ओटीपी गया है आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी डाली है। तो जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, तो वो ओटीपी यहाँ पे डालिए। जो ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आया है, वो ओटीपी यहाँ पे डालिए, और उसके बाद सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने दोनों ओटीपी डाल लिए हैं, उसके बाद वेरीफाई पे हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आ रहा है ओटीपी फॉर सिटीजन यूजर हैज बीन वेरीफाई। तो ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए अपना, उसके बाद पासवर्ड आप जो बनाया है आपने, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। पासवर्ड आपको दोस्तों इस तरीके से बनाना है, जैसे अगर आपका नाम मोहन है तो, और बर्थ ईयर है आपकी 1990 की, तो आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। स्टार्टिंग का M कैपिटल में, बाकी का OHAN ये स्मॉल में, @1990, इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। और उसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ बनाया है, वही पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया थैंक यू सिटीजन यूजर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लॉगिन के लिए नो योर व्हीकल डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं, या होम पे भी आप जा सकते हैं। तो जैसे ही हमने नो योर व्हीकल डिटेल्स पे क्लिक किया, तो यहाँ इस तरीके से पेज ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है, जैसे हमने बनाया है मोहन, स्टार्टिंग का जो M है वो कैपिटल में, बाकी का OHAN स्मॉल में, @1990, ये पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। तो जिस विवाहन की भी आप डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो वो व्हीकल नंबर, वो उसका गाड़ी नंबर यहाँ पे डालिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिए, और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिए। अगर कैप्चा वर्ड आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप कैप्चा वर्ड चेंज कर सकते हैं। तो कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के व्हीकल सर्च पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप व्हीकल सर्च पे क्लिक करेंगे, तो पूरी डिटेल व्हीकल के आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब जैसे आरसी स्टेटस है, तो स्टेटस एक्टिव है अभी जो आरसी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओनर नाम दिख जाएगा। ओनर नाम में ये रीजन की वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगी, यहाँ पे फिटनेस वैलिडिटी दिख जाएगी, यहाँ पे इंश्योरेंस वैलिडिटी दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो परमिट है उसकी डिटेल दिख जाएगी, यहाँ पे एनपी ऑथराइजेशन डिटेल दिख जाएगी। इस तरीके से पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी।
अगर दोस्तों पूरा डाटा आप देखना चाहते हैं, उसका एक दूसरा तरीका है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसके लिए व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे RTO सेलेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेटस और यहाँ पे आता है माई व्हीकल डिटेल्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, गाड़ी नंबर, यहाँ पे फुल चेसिस नंबर, यहाँ पे इंजन नंबर, फुल इंजन नंबर, और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको डाल के वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं है मोबाइल नंबर, या चेंज आप करना चाहते हो या जोड़ना चाहते हो अपने मोबाइल नंबर को, तो अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा, यस पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे फुल चेसिस नंबर, यहाँ पे फुल इंजन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, और यहाँ पे कब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है वो, ये सभी डिटेल व्हीकल के RC में आपको मिल जाएगी। उसके बाद सो डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, नया मोबाइल नंबर डालिएगा, उस पर OTP आएगा, वो OTP डालिएगा, कंफर्म कीजिएगा, तो आपका जो मोबाइल है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस पे क्लिक करके माई व्हीकल डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे गाड़ी नंबर डालिएगा, यहाँ पे फुल इंजन नंबर डालिएगा, ये सॉरी यहाँ पे फुल चेसिस नंबर डालिएगा, यहाँ पे फुल इंजन नंबर डालिएगा, उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा। अगर कैप्चा वर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद वैलिडेट रजिस्ट्री नंबर पर क्लिक कीजिएगा। व्हीकल की कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगी, पूरी पूरा डाटा आपको दिख जाएगा, पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी, सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी विस्तार में। तो ये दोस्तों पूरा तरीका है, उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। व्हीकल रिलेटेड या ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो देखना अगर चाहते हो तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे व्हीकल आप डाल दीजिएगा, तो व्हीकल रिलेटेड जितनी वीडियो है सब यहाँ पे दिख जाएगी। अगर स्पेसिफिक वीडियो आप देखना चाहते हो व्हीकल रिलेटेड, तो जैसे आप व्हीकल ट्रांसफर रिगार्डिंग देखना चाहते हो तो व्हीकल ट्रांसफर आप इसमें डाल दीजिएगा, और उसके बाद व्हीकल ट्रांसफर की वीडियो आपको दिख जाएगी। व्हीकल NOC के रिगार्डिंग चाहिए, व्हीकल NOC की वीडियो देखना चाहते हो तो व्हीकल NOC आप डाल दीजिएगा, व्हीकल NOC की वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी। तो जो भी वीडियो सब यहाँ पे दिख जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ड्राइविंग आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस जितनी वीडियो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी। या फिर क्या प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो, व्हीकल रिलेटेड मैंने 40 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड 63 वीडियो अपलोड कर रखी है। देखना अगर आप चाहते हो इनको तो आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।